बैक टू अवर चैनल। दिस इज बिंदु यादव, करंटली परसुइंग MBBS कोर्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि नीट 2021 की कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर द प्रिपरेशन। सेकंड जो बात हम करेंगे कि नीट 2021 के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनके रजिस्ट्रेशन जो है कब से स्टार्ट होने वाले हैं, और दूसरी बात हम करेंगे कि जो नीट 2021 की जो एग्जाम डेट है वो क्या हो सकती है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन की जो ऑफिशियल डेट है, अभी तो ऐसी कुछ अनाउंस हुई नहीं है, लेकिन फिर भी एक अजम्पशन लगाया जा रहा है कि जो मतलब रजिस्ट्रेशन है वो जो है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट की जो पॉसिबल मतलब ऑफिशियल डेट, तो उसकी भी अभी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लिए भी एक अजम्पशन है कि जो एग्जाम है वो मई में तो नहीं होगा, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन है तो खतरनाक सिचुएशन हो रखी है। उसने अपना आप देख रहे हैं कि अपना जो है कोरोना जो है अपना एम्परर बनाता ही जा रहा है धीरे धीरे। तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि जो एग्जाम डेट है वो जो है पॉसिबिलिटी है उसकी कि वो एग्जाम मई में ना हो करके जून में हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो है, अब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में कि हम नीट 2021 के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आप सभी ने एक लाइन तो सुनी होगी कि बी आ वैरियर नॉट आ वॉरियर। इसका मीनिंग जो है बहुत सिंपल है वैसे तो, मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमें किसी भी चीज को लेके पैनिक नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज को लेके टेंस्ड नहीं होना चाहिए। जो बच्चे नीट 2020 में सेलेक्ट नहीं भी हो पाए हैं तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं हो जाती है, लाइफ जो है एंड नहीं हो जाती है। ट्राई करते रहिए, एक दिन अगर आप मेहनत करते हैं दिल से तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, इतना डेफिनेट रहता है। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट रही हूँ, 3 साल मैंने भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस की है, लेकिन अल्टीमेटली उस चीज का जो रिजल्ट मिला वो अच्छा ही मिला। तो इसलिए बोल रही हूँ कि जो है मेहनत है वो एक दिन मतलब जरूर सक्सेस देती है। उसके बाद गाइस, हम सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी में अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट जो चीज होती है ना वो हमारी होती है माइंड, मतलब माइंड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। एक्चुअली हमारे माइंड की मेंटेलिटी पे बहुत चीज डिपेंड करती है कि हमें अपने माइंड को जो है अपने माइंड का कमांडर बनना चाहिए, नॉट उसका सोल्जर बन के रह जाना चाहिए। कहने का मीनिंग सिर्फ इतना है सिंपल सा कि माइंड हमारे ऊपर कंट्रोल ना करे, बल्कि हम अपने माइंड पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर हम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये नीट की बात नहीं है, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे माइंड पे हमारा कंट्रोल हो, ना कि हमारा माइंड हम पे कंट्रोल करे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गई थोड़ी सी मोटिवेट करने की बात, लेकिन अब हम अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में उस पे चीज पे फोकस करते हैं। देखो, सबसे पहले हमको पता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम बच गया है, तो टाइम कम है और प्रिपरेशन हमको ज्यादा करनी है। हमारे पास टोटल 100 चैप्टर्स हैं पीसीबी को मिला के, तो अब उसके लिए जो है प्रिपरेशन भी बढ़िया करनी पड़ेगी, इतना तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा है। जो बच्चे डेडिकेट हैं अपनी स्टडीज के लिए उनको साफ साफ पता है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, लेकिन फिर भी एक गाइडेंस ना बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हमें कोई बहुत अच्छे से गाइड करने वाला होता है तो हमारे लिए हमारा पाथ जो है वो बहुत सिंपल हो जाता है। तो सबसे पहले आइए, हम सबसे पहले पता है जो रिपीटर्स होते हैं ना मेनली, उन रिपीटर्स के लिए जो मेन चीज होती है ना वो होती है सेल्फ स्टडी। जबकि जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए फिर भी क्लासेस बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है, बिकॉज वो शुरू शुरू में चीजों को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन एक रिपीटर के लिए, क्योंकि वो सब चीजों को ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुका होता है, उसको कॉन्सेप्ट थोड़े आते होते हैं, तो उसके लिए सेल्फ स्टडी को मतलब टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, सेल्फ स्टडी तो वैसे मतलब सबके लिए जरूरी है, लेकिन एक रिपीटर के लिए मेरे हिसाब से बहुत असेंशियल हो जाता है। अब सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम हमें नीट की प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए, एटलीस्ट जो बच्चे क्लासेस कर रहे होते हैं, अभी तो ऑफलाइन तो चल नहीं रही है, ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहे हैं, तो इतना तो है कि हम मतलब अगर 3 से 4 घंटे ऑनलाइन क्लासेस को दे भी रहे हैं तो उसके अलावा भी हमें सेल्फ स्टडी को कम से कम तो एटलीस्ट जो है वो 8 आवर्स तो देने पड़ेंगे। अब उस 8 आवर्स में भी हम किस तरह हमें अपने तीनों पीसीबी सब्जेक्ट्स को देना है टाइम, तो उन स्टडी आवर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बायो के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो बायो सबसे पहले, अगर हम फिजिक्स के लिए देखें ना तो फिजिक्स का तो इतना है कि डेली का मैं आपको एक एडवाइस जरूर दूंगी कि 2 to 3 आवर्स तो डेली का फिजिक्स के लिए होना चाहिए। क्योंकि देखो, बायो केमिस्ट्री ऐसा है कि आप रूटीन में डेली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे तो एंड तक वो आपका हो जाएगा अच्छे से, लेकिन फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप उसको डेली टाइम नहीं दे रहे हैं तो आपको बाद में जाके लास्ट में प्रॉब्लम होने वाली है।
हमारे पास अभी 5 मंथ्स है। 5 मंथ्स में कहने का मतलब ये है कि 5 मंथ्स ये नहीं है कि आप 5 मंथ्स आप अपना सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे। उन 5 मंथ्स में आपको अपना सिलेबस भी खत्म करना है, एक बार आपको एक बार रिवीज दो बार कम से कम एटलीस्ट रिवीजन भी करना पड़ेगा एग्जाम से पहले, तो वो चीज बोलना चाह रही हूं मैं। अब सबसे पहले देखिए 3 मंथ है उसमें सिलेबस कवर करोगे आप, तो लास्ट में जो 2 मंथ्स है आप जब रैपिड रिवीजन को दोगे तो वो रैपिड रिवीजन इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप 2 महीने में आधा सिलेबस ही खत्म कर पाए और नीट का एग्जाम आ गया। तो वो चीज ना मतलब बहुत मैटर करती है इन 3 मंथ्स के स्टार्टिंग के, आपके 3 मंथ में मतलब ये चीज बहुत डिपेंड करेगी। अभी 3 मंथ में आपको सब कुछ अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कीजिए, तो लास्ट में जब आप रिवीजन का टाइम आएगा ना तो आपको इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली जो है नीट के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। अब मैं अगर सेल्फ स्टडी की बात करूं ना, तो देखो सेल्फ स्टडी में मेनली 3 चीजें आती है। फर्स्ट थिंग आती है कि हम कितने डिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिन्ड स्टडी में ही नहीं, हमें हर फील्ड में चाहिए होता है। आपने ये चीज अच्छे से आप लोगों को पता होगी और आपने ऑब्जर्व भी की होगी। यहाँ पे अगर मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, तो डिसिप्लिन का जो मतलब होता है ना वो ये है कि आप कितने रेगुलर है अपनी पढ़ाई को लेके। और अब ये रेगुलरिटी क्या होती है, रेगुलरिटी का मतलब है जब हम बात करें स्टडी में तो उसका मीनिंग ये होता है कि आपने मान लीजिए कि आपने एक दिन तो पढ़ाई की 10 घंटे की, आप अगले दिन पढ़ रहे हो 1 घंटा, तो वो उसको तो इरेगुलरिटी बोल दिया जाता है, उसी को अनडिसिप्लिन बोल देते हैं कि हम डिसिप्लिन तो है ही नहीं अपनी पढ़ाई को लेके। लेकिन ये बात तो मतलब कंफर्म है कि जब तक हम रेगुलरिटी नहीं लाएंगे पढ़ाई में, अगर हम आज 10 घंटे पढ़े कल भी हम 10 घंटे पढ़े तो उसको बोलते हैं रेगुलरिटी मेनली। तो वो हमें अपने मतलब प्रिपरेशन में लानी पड़ेगी, तभी हम अपने सक्सेस के बहुत पास पहुंच पाएंगे। और सेकेंड थिंग जो आती है ना यहाँ पे, वो है हमारे पास टेस्ट, मतलब टाइम टेबल हम बनाए अपने, जैसे टेस्ट वगैरह प्रॉपर बीच में दें। उसके बाद टाइम टेबल में ये होना चाहिए कि मान लीजिए आज के मैंने अपने 2 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं और वो 2 टॉपिक्स तो भाई मेरे को कंफर्म रहना चाहिए, मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे को उठानी चाहिए कि यार मैंने अगर 2 चैप्टर मतलब सेलेक्ट किए हैं ना तो रात को सोने से पहले मेरे वो 2 चैप्टर तो खत्म हो ही जाने चाहिए। तो इसको बोलते हैं टाइम टेबल एक्चुअली में। उसके बाद देखो तीसरी चीज होती है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें टेस्ट देना बहुत मतलब जरूरी इंपॉर्टेंस रखता है। अब इम्पोर्टेंस इन द सेंस कि टेस्ट देने का मतलब यही नहीं होता कि आपने टेस्ट दिया, आपने 3 घंटे का टेस्ट दिया, आपके 400 नंबर आ गए, ठीक है भाई 400 नंबर आ गए, अगला टेस्ट हम दे देंगे ऐसे, तो ये मीनिंग नहीं है। टेस्ट देने का मतलब होता है कि आपने टेस्ट दिया, आपने जितना स्कोर किया, जितने क्वेश्चन आप मतलब नहीं कर पाए आप उन क्वेश्चन को मेनली देखें कि मैं क्यों नहीं कर पाई, मैं कॉन्सेप्ट भूल गई थी या उसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, तो उस चीज को ऑब्जर्व करना पड़ता है हमें। इसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब अगर ये तो थी सेल्फ स्टडी में आ जाता है ये सब कुछ, तो और ये बहुत मतलब सेल्फ स्टडी जो है, सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो। और अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्पेशली आपको 8 to 10 आवर्स तो अपनी सेल्फ स्टडी को देने ही पड़ेंगे, डेफिनेटली देने पड़ेंगे। अब मैं बात करती हूँ, देखो गाइज अब मैं जो आपको बोलने वाली हूँ, देखो मेरा इसी साल जो है नीट में सिलेक्शन हुआ है, MBBS में सिलेक्शन हुआ है, तो मेरी जो स्ट्रेटेजी रही थी पढ़ाई के लिए मैं आपको एक बार उस चीज को जरूर बताना चाहूंगी और वो चीज मेरे लिए काफी हेल्पफुल रही थी। सबसे पहले अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो में मेरा इतना था कि मेरा मेनली फोकस रहता था NCERT पे। NCERT मेन है, मस्ट है, आपने नीट 2020 में ऑब्जर्व किया है बायो का पेपर, आपने देखा होगा 90 out of 90 क्वेश्चंस जो थे वो प्योरली NCERT से दिए गए थे, तो इतना तो देख के समझ में आता है कि NCERT मस्ट है। NCERT जितनी ज्यादा हो सके उतनी बार रिवाइज कीजिए आप, बहुत हेल्पफुल रहेगी लास्ट में जा करके। उसके बाद अगर NCERT को पढ़ने का तरीका होता है, ऐसे नहीं है कि आप खोल के बैठ गए, आप अपने सारे दिन बस उसको खोल के बैठे हो, ये कोई तरीका नहीं होता है पढ़ने का। सबसे पहले आप अपने पास पेन लीजिए, आप लाइनें जब रीड आउट कर रहे हैं NCERT में तो सबसे पहले एक चीज पे तो जरूर ध्यान दीजिए कि आप साथ के साथ उन लाइन्स को जरूर अंडरलाइन कर लें जो हाँ बहुत इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस रखती है और नीट में मतलब ऐसा लगता है आपको होप है कि यार इससे क्वेश्चन तो बन सकता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो इस तरह से मतलब आपको ध्यान रखना है कि बायो में तो स्पेशली पढ़ते टाइम NCERT पे तो फोकस फुल होना चाहिए। जब हम आते हैं केमिस्ट्री पे, देखो केमिस्ट्री में अपने हम पता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केम, तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक से तो बच्चों को वैसे ही डर लगता है थोड़ा, क्योंकि भाई पूरा रट्टाफिकेशन है तो डरा देती है वो। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं कैसे करती थी, मेरा सिंपल रहता था कि जब मैं इनऑर्गेनिक पढ़ रही हूं, सबको सबके साथ होता है रट्टाफिकेशन, 1-2 दिन में नहीं होता है, तो इसका सिंपल तरीका है आप एक मतलब जरूर करके देखिएगा, आपको जरूर सच में इससे बहुत हेल्प मिलेगी, आप देखना। और बाद में अगर आपको मतलब रियली हेल्प मिले ना तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज मेंशन भी करिएगा इस बात को।
और तो करना कैसे है भाई, सिंपल है। सबसे पहले एक आप चार्ट लीजिए, अगर आपको कोई ऐसी मतलब टॉपिक्स है इनऑर्गेनिक में जो आपको नहीं आ रहे हैं तो सिंपल आप उस चार्ट में मेंशन कीजिए, उस चार्ट को आप अपनी स्टडी टेबल पे लगाइए या फिर आप जहां पे सोते हैं अपने बेड की वॉल पे लगाइए, या फिर एक बहुत सिंपल तरीका है, एक काम कीजिए सुबह सुबह टूथब्रश तो करते ही वॉशरूम के गेट पे लगा दो। जब आप टूथब्रश करोगे ना तो आपका ध्यान एक बार तो जाएगा कि यार चलो पढ़ लेते हैं, जो डेडिकेट है उन बच्चों का तो जाएगा, देखो जो टाइम पास कर रहे हैं नॉर्मल उनका तो नहीं जाएगा। तो इससे क्या होता है कि डेली हमारे ना वो चीज रूटीन में आने लगती है और हमारा मन करता है उस चीज को पढ़ने का, तो इससे धीरे धीरे क्या है आपकी इनऑर्गेनिक अपने आप अच्छी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक तो देखो बहुत अच्छा और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत अच्छी वेटेज भी रखता है। तो जब हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कि मैं बता देती हूँ, जैसे कि भाई एल्कोहल फिनोल ईथर है, अमाइंस है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, या फिर क्या कहते हैं ये आप अपना बायोमोलिक्यूल ले लो, या फिर आप ये ले लो हाइड्रोकार्बन। ये सारे चैप्टर ऐसे हैं जो अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हो तो कहीं से भी क्वेश्चन इनके बाहर से नहीं जाएगा। तो ये इसीलिए ऑर्गेनिक बहुत अच्छा स्कोरिंग हो जाता है क्योंकि बच्चे अगर एनसीईआरटी पे ध्यान दे ले तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। उसके बाद देखो बचता है, ये हो गई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात। उसके बाद जो बचता है ना फिजिकल कैम और अपना फिजिक्स। देखो फिजिकल कैम और फिजिक्स का तो देखो सीधा सा है, आप सबको इसमें मुझे भी बताने की कोई जरूरत तो है नहीं, सीधा सा है उसका कि भाई जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन लगाओगे आप उतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन पता है एक चीज मैं जरूर बता दूं आप लोगों को कि फिजिकल कैम और फिजिक्स यही नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन ही करो आप। देखो जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट, चाहे आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायो ले लो, तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए पहले तो अपने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। आपको पता है नीट का एग्जाम सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड आता है, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं होती, ज्यादा खतरनाक बुक्स के पीछे मत भागो, कोई मतलब नहीं है, ना आपके पास उतना टाइम है। तो इतना जरूर मैं जब तैयारी करती थी तो मेरा इतना जरूर रहता था फिजिकल कैम और स्पेशली जो है फिजिक्स के लिए। मैं क्या करती थी कि सिंपल मैं अपने, मेरे पास एक शॉर्ट नोट्स थे, हर एक ईच चैप्टर के मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे फिजिक्स के लिए, उसमें जो है, और ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने पूरा चैप्टर उतार दिया। शॉर्ट नोट्स का मेनली मतलब होता है गाइज कि हम सिर्फ दो पेज के नोट्स ऐसे बनाए जिसमें हम कंप्लीटली उस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले लिख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो हाँ भाई इंपॉर्टेंस बहुत रखते हैं नीट में, लेकिन हाँ हमको ऐसा लगता है कि यार अभी तो पढ़ रहे हैं लेकिन हम उस टाइम तक भूल जाएंगे। तो उसके लिए आप एक काम करो, अगर आपको उस कॉन्सेप्ट को याद रखने में दिक्कत आती है तो आप अपने शॉर्ट नोट्स में उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लिख लो, छोटे छोटे लेटर्स में। इससे क्या होगा, जब आप एक रैपिड रिविजन करोगे लास्ट में अपने शॉर्ट नोट्स की तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो ये तो स्ट्रेटेजी थी पूरी कि हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए आपको ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रखती है जो मैं खुद भी करती थी इस चीज को, तो देखो ये चीज ना मतलब बहुत मैटर करती है, अगर आप इसको करोगे ना तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और आपको चीजें ना सच में मतलब याद रहने लग जाएगी अपने आप। तो देखिए उस बात के बारे में बात करते हैं। देखो अगर आपने मान लो एक दिन में जो है मान लो 3 चैप्टर पढ़े हैं, वो चाहे आपने फिजिक्स का पढ़ा हो, चाहे केमिस्ट्री का पढ़ा हो, चाहे बायो का पढ़ा हो, डजंट मैटर। लेकिन पता है करना क्या है, जब आप सो रहे हो ना उससे पहले आपने दिन भर में जो भी पढ़ा विदाउट, मतलब आपको ये नहीं है कि खोल के देखना है कि भाई मैंने आज ये पढ़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई का पहली बात तो मीनिंग ये है कि आपको याद है सब कुछ कि आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा, वही पढ़ाई इफेक्टिव होती है, इसके अलावा कोई पढ़ाई इफेक्टिव नहीं है। मतलब आपने सुबह पढ़ा रात को भूल गया, आप क्या उसको इफेक्टिव पढ़ाई बोलोगे? नहीं बोल सकते, डेफिनेटली नहीं बोल सकते। तो देखो अब सबसे पहले हमने दिन में सब कुछ जो पढ़ा, रात को जब हम सोने वाले हैं, पढ़ाई देखो ज्यादा लेट नाइट तक नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना ऐसा है, मैं तो नहीं करती थी ऑब्वियसली, मैं अपना बता रही हूँ, बाकी सबका अपना अपना देखो माइंड स्टेबिलिटी होती है कि कोई रात में ज्यादा पढ़ना पसंद करता है या कोई दिन में करता है, तो वो सबकी अपनी माइंड की एबिलिटी है। लेकिन मेरे साथ ऐसा था, जैसे मान लो मैं 10 बजे तक ही पढ़ रही हूँ, उसके बाद मुझे मान लो कि भाई 12 बजे तक नींद आ जाती थी, तो उन 2 आवर्स के गैप में मैं क्या करती थी कि जो मैंने पूरे दिन में पढ़ाई की, जो भी मैंने पढ़ाया, चाहे वो मैंने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायो पढ़ा, उसको एक बार अपने माइंड में रिवाइज करना है कि हाँ यार मैंने इस तरह के क्वेश्चंस करे थे आज, उनका कॉन्सेप्ट ये था, मैंने ये फॉर्मूले रिवाइज किए थे आज, और ये मतलब आप जब रिवाइज करोगे ना तो डेली आपके रूटीन में आ जाएगा। और किसी दिन आप मतलब नहीं भी चाहोगे ना तो भी आपका माइंड एक बार ऐसे जरूर बोलेगा कि यार आज मैंने ना रिवाइज नहीं किया, चलो रिवाइज करती हूँ। तो ये अपने अपना माइंड सेटअप अपने आप खुद ही हो जाता है। इससे क्या होता है, चीजें अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने लगती है। तो देखो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो पीसीबी के स्टूडेंट हो, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट मेमोरी का पता है सबको, तो ये चीज मतलब बहुत मैटर करती है। तो गाइस बस इतना ही बताना था वैसे तो मुझे आपको,
और इतना भी है कि अगर आपने मेरी वीडियो को प्रॉपर ढंग से सुना है ना, तो ये रियली आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, मेरा बिलीव कीजिए। जैसे जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, आप इसको बस ढंग से फॉलो कीजिए, एक बार करके देखिए, आप सच में मतलब बोलोगे कि सच में हाँ मैंने बहुत मतलब अच्छी बात बताई है। ओके गाइस, वैसे मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा है, बाकी जो है मैं ऐसे आगे वीडियोस डालती रहूंगी, इसलिए मेरे साथ हमेशा स्टे अप रहना। ओके अगेन ऑल द बेस्ट गाइस, एंड अगेन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट अगेन।